टुडे अगेन वीडियो एडवर्ब्स। वर्ब की मैंने जो वीडियो बनाई है उसके बाद मैंने एडवर्ब में देखा। एडवर्ब क्या होता है, जैसे हिंदी में बोलेंगे तो हम क्रिया की क्रिया विशेषण बोलते हैं, जो क्रिया की विशेषता होता है। जैसे मैं बोल दूँ कि राम रन वेरी फास्ट, यहाँ पे ये क्रिया भी कर रहा है और उसकी विशेषता बता रहा है वो क्या कर रहा है कि तेज दौड़ रहा है। यहाँ पे क्रिया विशेष इसकी एडवर्ब की एडवर्ब होगी, उसके हिसाब से हम एडवर्ब विशेषता बताती है और इसको एक हम कंपेरेटिव यानी कि डिग्री में यूज किया जाता है। और डिग्री का मीन क्या होता है कि ओवरऑल कंपेरिजन ऑफ द एडवर्ब, कैसे कंपेरिजन किया जाता है, कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब, कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब को कैसे कंपेरिजन किया। जैसे थ्री टाइप होते हैं, एक तो हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं डी पॉजिटिव डिग्री होती है, एक तो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, कैपिटल में लिखता हूँ मैं, पॉजिटिव डिग्री होती है, एक हमारी कंपेरेटिव डिग्री होती है। नेक्स्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, ये टाइप होते हैं डिग्री। एडवर्ब का पार्ट होता है माय डियर, एडवर्ब का मैंने बता दिया कि क्या विशेषता होती है, जो क्रिया की विशेष जो क्रिया आप कर रहे हो। जैसे मैं अगर भाग रहा हूँ, पहले रन का मतलब वर्ब होगी और उसके बाद मैं कितना तेज भागता हूँ, क्या करता हूँ, तेज खाना खाता हूँ, क्या भी करता हूँ, जो भी क्रिया की जो विशेषता होती है उसको बताया जाता है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब को कंपेरिजन यानी कि कंपेरिजन ऑफ द एडवर्ब, एडवर्ब को कंपेरिजन होता है पॉजिटिव डिग्री में, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैंने ओल्ड वर्ड में कोई एक वर्ड देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ओल्ड वर्ड लिखा, अगर इसको आप कंपेरेटिव डिग्री में यूज करोगे तो आप इसको क्या बना दोगे, ओल्डर बना दोगे, और सुपरलेटिव डिग्री इसकी ओल्डेस्ट है ना। मैंने जो आपको ओल्डेस्ट मैंने आपको जो आर्टिकल करवाया डियर, मैंने बताया कि दा का मैंने जो यूज बताया था, दा का सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा का यूज किया जाता है। आई यानी कि इंदार, यानी कि मैं एक एग्जांपल दूं, कोई मोहन स्कूल में सबसे लंबा है, बड़ा है, एल्डेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा है, ऐसी डिग्री होती है। जैसे कि हम काफी और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल देख लो, आप ऑर्डर कर लिया मैंने, इसी बाद में एंटर कर लेता हूँ, कोई कंपेरिजन डिग्री होती है ऐसे ही। नेक्स्ट कुछ डिग्री ऐसी होती है जो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जैसे मैं गुड का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, गुड कंपेरेटिव इसकी बेटर बेस्ट, ये भी होती है। एक मैं बैड का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बैड की रोज एंड रोज, यानी कि ये इसकी कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है। कई बार क्या होता है जब हम डबल एक्सेंट में बात करते हैं, डबल एक्सेंट क्या होता है, डबल एक्सेंट की बात करते हैं ब्यूटी, जैसे मोर लगाते हो आप, मोर मोस्ट यानी कि ब्यूटीफुल, जिसके अंदर दो एक्सेंट होते हैं, ब्यूटी बन गया ये हमारा ब्यूटी और इसके बाद में फुल। जब डबल एक्सेंट आता है दोनों चीज़ों में डबल एक्सेंट आता है, यहाँ पे ब्यूटीफुल, ऐसे में हम जैसे डॉक्टर ब्यूटीफुल एंड काफी ऐसे वर्ड लेते हैं तो उनको हम वहाँ पे हमको मोर या मोस्ट का यूज करना पड़ता है। एक्सेंट यानी कि ब्यूटी यानी कि मोर, अगर इसकी कंपेरेटिव डिग्री बनाओगे तो आपको मोर ब्यूटीफुल लिखना पड़ेगा और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट ब्यूटीफुल। अंडरस्टूड दैट, ऐसी वाइज का लगा लो, वाइज ने लगा लो, कुछ भी लगा लो, ऐसे ही हम अगर एडवर्ब बनाएंगे ये हम कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम कंपेरेटिव डिग्री से फॉर्मल ऑफ एडवर्ब में फॉर्मेशन करते हैं, एडवर्ब की कोई भी फॉर्मेशन करते हैं, जैसे बीटर है, कई बीटर वर्ड होता है, बीटर अब बीटर वर्ड है, अब हम इसको अलवाई से चेंज करते हैं, बीटर ये बना क्या बना देते हैं, ये बीटर बना देते हैं, तो इसका बीटर यानी कि अलवाई लगाने के बाद भी हम उसको चेंजेस करते हैं। कोई भी और एग्जांपल लो, खाता कोई भी और एग्जांपल लगा लो, आप स्विच का एग्जांपल ले लो, आप स्विच है तो उसको आप यहाँ पे आप इसको स्विच नहीं बना देते होगे तो ये हमारा क्या हो जाता है डी, ये हमारा एडवर्ब बन जाता है, क्या बन जाता है डी, एडवर्ब बन जाता है। उसी के हिसाब से और एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो आप, वॉइस का है, वॉइस नाइस, यानी कि वॉइस वर्ड देख लो, वाइजली हो जाएगा, नाइसली हो जाएगा, ऐसे वर्ड है। जैसे कि अलवाई लगाने के बाद में हम
एडवर्ब बना देते हैं डेट। ऐसे ही नेक्स्ट एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम फॉर्मेशन है, कई बार क्या होता है जिस भी वर्ड के साथ आपको एल एल ई मिले वहाँ पे आपको ई एट आगे वाई लगा देना है। जैसे नोबली हो गया, ये वर्ड है नोबली, ठीक है, इसको आप नोबल नोबली बना देते हो, ऐसे ही बना देते हो। या फिर एक और एग्जाम्पल देखो आप, या वेक है, वेक को बनाने के बाद वेक वर्ड है वेक, ठीक है, वेक है, इसको आप वेक से अलग है यानी कि नोबल है, या फिर हम्बल हम्बल सॉरी नोबल से नहीं हम्बल हम्बल वर्ड देखेंगे, हम्बल हम्बल वर्ड है। तो मैंने बताया कि आई टा के वाई लगाते हैं, जैसे हम्बली, हम्बली का मतलब भी नंबर प्रार्थना होता है, जैसे हम्बली। अगर आई टा के वाई लगाते हैं वो भी हमारा क्या होता है, एड्रॉप होता है। नेक्स्ट में देखिएगा सुपर, आपको सुपर सुपर सुपिक्स एंड प्रीफिक्स, ये वीडियो दोनों वीडियो बनाऊंगा मैं, आज वैसे ही आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्या होता है सुपर सुपिक्स क्या होता है प्रीफिक्स क्या होता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई सबसे पहले आगे क्या आता है, यानी कि से सबसे पहले आता है, तो यानी कि पी से बाद में आता है, इसके बाद में आपको सुपिक्स लगाना होता है। जैसे मैं लाउडली बोलूँगा, एडवर्ब के साथ प्रोफिक्स प्रोफिक्स यूज करने के लिए पी पहले आता है तो और एस बाद में आता है, तो सबसे पहले जो आगे आएगा उसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे, जो पीछे जाएगा उसको सुफिक्स बोलेंगे। यहाँ पे मैं प्रीफिक्स बताता हूँ कैसे प्रीफिक्स वर्ड को कैसे हम एडवर्ब में चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं लाउड देता हूँ, लाउड का एग्जांपल दिया मैंने, अब एक यानी कि वेक का एग्जांपल दिया वेक। अगर इनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सुफिक्स एक का यूज करना पड़ता है अलाउड, यहाँ पे अलाउड हो गया, और यहाँ पे अवेक, यहाँ पे अवेक वर्ड हो गया। ऐसे सेंटेंसेस में देखिएगा ये अब एक का यूज करने के बाद जो हमारा प्रीफिक्स ए यूज करते आगे आने के बाद अलाउड हो जाता है, अवेक हो जाता है। ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते जाओगे आप। एडवर्ब को सुपरलेटिव डिग्री में मैंने बता दिया कि आप कंपैरेटिव डिग्री ई आर ई एस टी, ठीक है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव बोलते हैं जिसको, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और एक हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है। जो भी पॉजिटिव डिग्री है सेम, जैसे वाइज लगा लो आप कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का, और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि लाउड वर्ड है, लाउड को आप लाउड ऐसे ही बना सकते हैं, यानी कि लाउड वर्ड जैसे मैंने अभी लाउड बनाया था, इसमें लाउड को आप ऐसे भी यूज करते हैं, लाउड वर्ड है इसको आप लाउडर बना सकते हो, लाउडर एंड लाउडेस्ट, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। यानी कि कई बार क्या मोर मोस्ट का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, डबल एक्सेंट में डबल एक्सेंट होता है, जैसे ब्यूटीफुल है, डॉक्टर है, उनके साथ मोर मोस्ट लगाते हैं। और अगेन देखिएगा, अगेन सेंटेंस में लेके चलता हूँ, कोई भी सेंटेंस आप, यानी कि पहले मैंने ए एल ई दिया है, उसके बाद में ओनली फिर वाई, यानी कि आपका वाई हो तो उसके साथ कैसे बनेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया प्रीटी, प्रीटी प्रीटी है, इसको कैसे चेंज करोगे, इसको ऑल वाई चेंज करोगे, प्रीटी इसको क्या बना दोगे, प्रीटी नहीं बना दोगे, यानी कि प्रीटी ली अल वाई लगा दोगे। अल वाई लगाने के बाद में हम एडवर्ब बनाते हैं। आई यानी कि सेंटेंस में जिस वर्ड के साथ वाई वर्ड जुड़ा हो वो आप एडवर्ब एडवर्ब यूज करोगे, बिल्कुल एडवर्ब। यानी कि सिंपल सेंटेंस में मैंने काफ़ी पहले एग्जांपल दिया था ई आर एस टी वाला, उसी के हिसाब से अगर सेंटेंसेस के पीछे अल वाई है, फास्टली है, लाउडली है, वाइजली है, ऐसे सेंटेंसेस को आप बार बार बोलोगे वो सारे के सारा हमारा एडवर्ब है। डिग्री फॉर्मेशन भी बोलते हैं उसको आप, ठीक है। या फिर आप एक सेंटेंस में देखोगे जैसे इन 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 यानी कि एक्सेप्शनल होता है, इन का क्या बनेगा, रोज रोस्ट, और क्या इन वर्ड है, कोई भी इन वर्ड है, या फिर इन का सबसे पहले रोस्ट बन जाएगा, उसी तरह बैड बैड का बनाया था मैंने, उसके बाद में रोस्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये रोस्ट बन जाएगा, ऐसे सेंटेंसेस बन जाएंगे। गुड का ऐसे बनाया था गुड, बेटर, बेस्ट। और अगेन देखिएगा एक और आपको मैं लाउडली, अगर लाउडली वर्ड आ तो लाउड, अभी देखो लाउडली डबल एक्सेंट आता है, लाउडली लाउडली। अब आपको इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने पड़ेगी, तो आपको सबसे पहले मोर का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद में मोस्ट का यूज करना पड़ेगा। दो एक्सेंट जहाँ भी डबल एक्सेंट की बात होती है, लाउडली लाउडली, आप जब भी बोलो बेटी फुल, यानी कि दो वर्ड एकदम ले रहे हो, तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको मोर का यूज़ करना पड़ेगा, और पॉजिटिव यानी कि सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको मोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। या फिर सिंपल में मैं आपको कोई एग्जांपल, मैंने स्टार्टिंग में ओल्ड का एग्जांपल दिया आपको, पास्ट का दिया है, हैड का दिया है, अर्ली का एग्जांपल देता हूँ। जैसे इनको इन सेंटेंसेस को वाई एट आके आई आर लगा देना, अल वाई लगा देना, ऐसे है, ये हमारा एडवर्ब का काफ़ी पूरा एडवर्ब मैंने करवाया है। आप
कॉपी आप अपनी कॉपी में आराम से देख यानी कि लिख के देखना कितना आसान भाषा में मैंने जो एडवर्ब ओनली इसकी जो पार्सन ये मैंने एग्जांपल बता दिया और उसके बाद इसकी जो फॉर्मेशन होती है कंपैरिजन फॉर्मेशन होती है सुपरलेटिव डिग्री की, यानी कि सुपरलेटिव क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, दैन के साथ दैन कंपेयर करने के लिए दैन का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे दूँ, वो मोहन से लंबा है, वो सोहन से लंबा है, वो गीता इतनी चपटी, कंपेरिजन दिखाने के लिए हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बाय।